सोमवार को भारत दौरे पर पहुंचे केन्याई राष्ट्रपति विलियम सामुई रूतो का आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि केन्याई राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। केन्या के किसी राष्ट्रपति की बीते 6 सालों में यह पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना है। इस दौरान केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और केन्या बहुत अच्छे दोस्त हैं। केन्या की आज़ादी से पहले से हमारे बीच विभिन्न स्तरों पर राजनयिक संबंध थे। मैं राष्ट्रपति महोदया और अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारत आया हूं। मेरी अपेक्षा है कि हमें केन्या और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि हम ग्रामीण विकास और खासकर कृषि के क्षेत्र में साझेदारी कर सकते हैं। कई अन्य चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे।